हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द्रुपद किसे कहते हैं, द्रुपद की वाणियां। द्रुपद और इसको हम द्रुपद भी कहते हैं। द्रुपद भारत की अत्यधिक प्राचीन तथा प्रसिद्ध गायन शैली है। अत्यधिक प्राचीन तथा प्रसिद्ध गायन शैली है। यह गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है। ध्रुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुव जमा पद, दो शब्दों से मिलकर के बना है। ध्रुव का अर्थ है अचल या अडिग, और पद से तात्पर्य है वाक्य, और पद से तात्पर्य वाक्य से है, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को, अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद कहा जाता है। अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। ध्रुपद गाते समय कंठ और फेफड़े पर जोर पड़ता है, अतः कुछ लोग इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। मध्यकाल में इसका बहुत अधिक प्रचलन था, किंतु आधुनिक समय में जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया, ख्याल गायन। ध्रुपद अधिकतर ब्रज भाषा में लिखे होते हैं। ध्रुपद में वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद के चार भाग होते हैं। ध्रुपद के चार भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभो। ये ध्रुपद के चार भाग होते हैं। ध्रुपद गायन शैली है। कौन कौन से ध्रुपद गायन शैली के साथ साथ कौन कौन से तालों का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद गायन के साथ चार ताल, ब्रह्म ताल, सोल ताल, तीव्रा ताल, मत ताल, तथा शिखर ताल आदि तालों में पखावज आदि तालों में पखावज या मृदंग पर ये तालें बजाई जाती हैं, और ध्रुपद गायन शैली के साथ इन तालों का प्रयोग किया जाता है। अब है ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास के बारे में। ध्रुपद की उत्पत्ति और किस प्रकार से ध्रुपद के आविष्कार के विषय में कुछ मतभेद हैं।
कुछ विद्वानों के मत अनुसार द्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में, द्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में, कुछ विद्वानों के अनुसार 13वीं शताब्दी में द्रुपद की रचना की गई और कुछ के अनुसार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में द्रुपद की रचना की। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में द्रुपद की रचना की। अतः इतना तो निश्चित है कि राजा मानसिंह तोमर ने द्रुपद के प्रचार में बहुत योगदान दिया। द्रुपद के आविष्कार के विषय में मतभेद हैं। कुछ से संगीतज्ञ 13वीं शताब्दी, कुछ से 15वीं और 16वीं शताब्दी इसका आविष्कार मानते हैं। द्रुपद जो गायन शैली में नौम तोम के अलाप किए जाते हैं, द्रुपद गायन शैली में नौम तोम का अलाप किया जाता है। इसके अलाप के चार भाग होते हैं। द्रुपद के जो अलाप के चार भाग होते हैं, अलाप की लय तीसरे अंग से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तथा यहाँ से गमक आरंभ होता है। द्रुपद गायकी में खटके, मुरकी तथा तान की तरह चंचल या चपल स्वर समूह नहीं दिखाई जाते, बल्कि मीड कर्ण गमक का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है द्रुपद गायन में। इसके अलाप के बाद द्रुपद को उसके चारों भाग सहित गाया जाता है, चारों भागों को गाया जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की लयकारियां दिखाई जाती हैं। लयकारियों को द्रुपद में विशेष स्थान प्राप्त है। गीत की बंदिश अथवा उच्च शब्दों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारि का विस्तार किया जाता है। दुगुण, त्रिगुण, चौगुण, आठगुण, आड़, सम, विषम आदि लयकारियां द्रुपद गायन की विशेषता है। द्रुपद गायन की विशेषता है। अब द्रुपद गायन का प्रचार प्रसार अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी डागुर, हरिदास जी डागुर, बैजू नायक, तथा गोपाल नायक आदि गायक द्रुपद ही गाते थे। तानसेन, स्वामी हरिदास जी, डागुर, बैजू नायक तथा गोपाल नायक जी द्रुपद ही गाते थे। द्रुपद गाने वालों को प्राचीन काल में कलावंत के नाम से जाना जाता था। कलावंत के नाम से जाना जाता था द्रुपद गाने में जो गाते थे उनको। ये था द्रुपद। अब है द्रुपद की वाणियां। द्रुपद की चार वाणियां हैं। किस प्रकार से द्रुपद की वाणी चार वाणियां हैं। नंबर वन है गोबर हार वाणी या हम कह सकते हैं शुद्ध वाणी।
ये है, इस वाणी का जो प्रधान जो मुख्य गुण क्या है, इस वाणी का मुख्य लक्षण ये है, गुण है, इसकी गति धीमी, इसकी गति धीमी, इसकी गति धीमी होती है, ये इसका लक्षण है। और इस वाणी के संस्थापक जो हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ, वाणी के संस्थापक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जी थे, इसलिए इसका नाम गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी के नाम से पड़ा। इसके संस्थापक हैं तानसेन जी। सेकंड वाणी है खंडार वाणी। खंडार वाणी, इस वाणी की विशेषता है विचित्रता और ऐश्वर्य प्रकाश है। इसमें तीव्र रस की उत्पत्ति होती है, तीव्र रस की उत्पत्ति होती है, और इसमें तीव्र रस की उत्पत्ति होती है, और इसमें गहरी व जोरदार गमक का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसकी गति अति विलंबित नहीं होती है, अति विलंबित नहीं होती है। इस वाणी के जो है नौबाद खान, नौबाद खान, नौबाद खान द्वारा ये वाणी ये चलाई गई। इसके संस्थापक है नौबाद खान, नौबाद, और उनका निवास स्थान खंडर था, उनका निवास स्थान खंडहर था, और इसके नाम पर ही इस वाणी का नाम खंडार वाणी पड़ा। नेक्स्ट है डागुर वाणी। इस वाणी का मुख्य है जो लक्षण मुख्य गुण है सरलता, सरलता और लालित्य। सरलता और लालित्य है इसकी जो गायन शैली है सहज और सरल होती है। इसमें स्वरों को टेढ़ा और विचित्र कार्य दिखाया जाता है। इस वाणी के जो संस्थापक हैं वो हैं ब्रज चंद, ब्रज चंद द्वारा इस वाणी की स्थापना की गई, जिनका निवास स्थान, उनका भी निवास स्थान डोगर, डोगर था, और उनका निवास स्थान डोगर था, अतः इनका नाम डोगर था, इसलिए इनका नाम डागुर वाणी पड़ा। कौन संस्थापक हैं? ब्रज चंद। गुण क्या है? सरलता और लालित्य, सरल और सहज गाई बजाई जाती है, राइट। संस्थापक ब्रजचंद, और इनका निवास स्थान था डोगर, और इसके आधार पर ही इस वाणी का नाम डागुर वाणी पड़ा। लास्ट है नौहार वाणी। इस वाणी का प्रमुख लक्षण, मुख्य जो लक्षण है, दो तीन स्वरों का उल्लंघन, दो या तीन स्वरों का उल्लंघन, दो या तीन स्वरों का उल्लंघन करके परवर्ती स्वर तक जाया, अगले स्वर तक जाया जाता है। इससे सिंह की गति का बोध होता है, और इस वाणी में गंभीर गमक के साथ साथ द्रुत लय का भी प्रयोग होता है। इस वाणी के जो संस्थापक हैं, इस वाणी के संस्थापक श्री चंद, इस वाणी के जो संस्थापक हैं वो श्री चंद हैं। श्री चंद द्वारा इस वाणी, जिनका वाणी चलाई गई थी, जो कि नौहार वासी थे, जिनका कि निवास स्थान था नौहार वासी,
नौहार वासी था, इसलिए इसका नाम नौहार वाणी पड़ा। गोबरधारा वाणी या शुद्ध वाणी कह लीजिए, खंडार वाणी, डागर वाणी और नौहार वाणी। संस्थापक का नाम, उसका मुख्य लक्षण और निवास स्थान, चार वाणियों में ये पॉइंट हमें मेंशन करना होंगे कि उनका मुख्य लक्षण क्या है, उसके संस्थापक कौन है वाणी के, और उनका निवास स्थान। खंडार में भी ऐसा ही है, उन नौशाद खान संस्थापक, उनका निवास स्थान और गायकी का मुख्य लक्षण। चारों ही वाणियों में इस प्रकार से हम लिखेंगे, संस्थापक का नाम, मुख्य लक्षण और उनका निवास स्थान। ये था द्रुपद की वाणियाँ, द्रुपद किसे कहते हैं, द्रुपद की वाणियों का वर्णन इस प्रकार से। धन्यवाद।